गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑल स्टूडेंट्स। आइए हरिवंश राय बच्चन के आत्म परिचय का एक अलग सभाग भी देखते हैं, जिसका नाम है, जिस कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी बढ़ता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित निशा निमंत्रण शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि दिन का समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और रात का बुलावा आ जाता है, यानी कि कवि कहता है निशा के निमंत्रण द्वारा मानव को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संदेश देता है। अब आइए व्याख्या देखते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, कब कहते हैं जो मुसाफिर है या सोचता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में, पथ मतलब रास्ता, कहीं रात ना हो जाए, हो जाने पथ में रात कहीं, रात या शाम ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी मंजिल कैसी है, मंजिल बहुत दूर नहीं है, नज़दीक है, यदि मैं कदम बढ़ाऊं तो आगे पहुंच सकता हूं, और धीरे चलूंगा तो देर हो जाएगी और मैं अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाऊंगा, दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, इसलिए यह विचार जो थका हुआ पंथी मतलब मुसाफिर के मन में एक विचार आ जाता है, तो यह सोच करके थका हुआ पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी चलता है कि कहीं रात्रि का समय हो जाएगा और मैं अपने उद्देश्य से दूर हो जाऊंगा, अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊंगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि दिन का समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।